सभी का चैनल पे स्वागत है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक कमेंट आया है अपने को और वो काफी इंपॉर्टेंट कमेंट है, मैं बोलूंगा दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप टेलीस्कोप ले रहे हो, लेने वाले हो या फिर आपके पास है, फिर भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यही बेसिस पे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, कुछ आपके मन में सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कर देना। भाई को दिल से थैंक यू बोलता हूँ, काफी प्यारा कमेंट आपने किया है। तो भाई के जो क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक जो है टेलीस्कोप रिगार्डिंग वो आपके साथ बात करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जो टेलीस्कोप यूज करते हैं, बेसिकली अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम लोग दो प्रकार के टेलीस्कोप यूज करते हैं। पहला जो टेलीस्कोप है वो है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, और दूसरा जो टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टर जो टेलीस्कोप है उसको कैसे पहचानना है, तो इसमें आपको प्राइमरी ऑप्टिक्स जो दिखने वाला है रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप में, दैट इज लेंस, उसके आगे आपको बड़ा लेंस दिखने वाला है। और ये जो लेंसेस है वो आपको मैक्सिमम 90 mm या आपको बोलेंगे कि 102 mm तक दिखने मिल सकते हैं। उसके बाद जो लेंसेज बनते हैं वो काफी कॉस्टली बनते हैं, इसीलिए जो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जो होते हैं काफी कॉस्टली होते हैं। उसमें भी डबलेट और ट्रिपलेट होता है क्योंकि उसमें क्रोमैटिक एबरेशन ज्यादा आता है, क्योंकि ये जो लेंसेस है वो लाइट बेंड करके सेंटर पॉइंट पे लेके आएंगे। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि कोन होता है ना आइसक्रीम का, तो वैसे ही लाइट बेंड करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो उसको फोकस करेंगे और वहां पे आईपीस से हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे। जो दूसरा टाइप है टेलीस्कोप का, दैट इज रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, और इसमें जो ऑप्टिकल प्राइमरी ऑप्टिक्स बोलूंगा मैं, जो प्राइमरी ऑप्टिक्स जो होता है वो मिरर होता है, कॉनकेव या फिर पैराबोलिक मिरर होता है। और पैराबोलिक मिरर क्या करता है, लाइट को गैदर करके, कॉन्सेंट्रेट करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फोकस करके सेकेंडरी आईपीस पे हमको दिखाता है। तो इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये रिफ्लेक्टर बोलते हैं या न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोला जाता है। तो दो बेसिक प्रकार के टेलीस्कोप हम लोग ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं। जो तीसरा प्रकार मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो है कंपाउंड टेलीस्कोप, वो भी काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप का ही प्रकार है। उसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है बिठा के लाइट को ज्यादा ट्रैवल करा के उसको कॉम्पैक्ट बनाया गया है। तो कैसीग्रेन के अलग अलग टाइप है, मक्सडॉ है, रिची कैसीग्रेन है, तो रिची शेरिटिन है, अलग अलग टाइप है, तो वो और किसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं भाई का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, क्योंकि टेलीस्कोप बेसिक टाइप ऑफ टेलीस्कोप जो है मुझे आपको शेयर करना था। तो भाई का क्वेश्चन आया है कि बेसिक्स ऑफ टेलीस्कोप ऑप्टिक्स, हाउ टू कैलकुलेट जूम, व्हाट इज फोकल लेंथ। ओके, तो टेलीस्कोप के जो बेसिक ऑप्टिक्स जो है, बेसिक टाइप मैंने आपको बता दिए, बट व्हाट इज फोकल लेंथ वो हम लोग जानते हैं। तो उसका जो अगर हम लोग साधारण भाषा में बात करेंगे तो टेलीस्कोप का जो सेंटर है वहां से लाइट ट्रैवल होने के बाद जहां पर भी हमको फाइन फोकस मिलने वाला है वो जो डिस्टेंस हमको मिलेगा, सपोज करो यहाँ से यहाँ, तो वो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे वो टेलीस्कोप का फोकल लेंथ। मैं एग्जांपल बचपन वाला देता हूँ, हमने सभी ने जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे मैच स्टिक जलाई थी, बराबर है। तो हमने क्या किया था कि सूरज का जो रोशनी है वो हमने लेंस के थ्रू पास ऑन करा के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको कॉन्सेंट्रेट कराया, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वहां पे ज्यादा हीट बढ़ गई, तो मतलब वहां पे सूरज की जो रोशनी है, लेंस रेज है, वो कॉन्सेंट्रेट मतलब फाइन हो गई, तो वहां पे फाइन फोकस हो गया। तो वो हमारा टेलीस्कोप का या फिर हमारे टेलीस्कोप का हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ हो गया। तो ऐसी अलग अलग जो लेंसेज है उनकी फोकल लेंथ कम ज्यादा होते हैं, लेंसेज बोलेंगे या फिर मिरर होते हैं तो उनके फोकल लेंथ कम ज्यादा होते हैं। तो कुछ टेलीस्कोप है उनके जो उनको उनका जो मेक होता है उनमें फोकल लेंथ कम होता है, कुछ का फोकल लेंथ ज्यादा होता है। तो वही प्रयोग करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोकल लेंथ जान के भी हम लोग टेलीस्कोप किस प्रकार के यूज के लिए अच्छा है, प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए अच्छा है या फिर डीप स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए अच्छा है, ये हम लोग बता सकते हैं। के बाद हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फोकल रेशियो, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फोकल रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा डिवाइडेशन वाला ही पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सपोज कर लो आपके टेलीस्कोप का फोकल लेंथ है 750 mm, और आपके जो टेलीस्कोप है उसका जो प्राइमरी मिरर है या फिर डायमीटर ऑफ द प्राइमरी ऑप्टिक्स इज 150 mm, बराबर है। तो 150 उसका प्राइमरी ऑप्टिक्स और 750 उसका फोकल लेंथ। तो 750 को हम लोग 150 से डिवाइड करेंगे, मतलब फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय
प्राइमरी ऑप्टिक्स का जो साइज रहेगा मिरर या फिर लेंस का, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 750 का फोकल लेंथ और 150 का मिरर जो साइज है उसको हम लोग डिवाइड करने के बाद हमको आंसर मिला 5, तो टेलीस्कोप का फोकल रेशियो विल बी 5 रहेगा। उसके बाद हम लोग टेलीस्कोप का जूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर जूम हम लोग हमेशा फाइंड आउट करेंगे जो आईपीसेस हमको प्रोवाइड की गई है उसके बेसिस पे। तो मेरा जो टेलीस्कोप है उसका जो फोकल लेंथ है दैट इज अराउंड 1900 mm। ओके, तो 1900 mm फोकल लेंथ मुझे पता चलता है, तो मेरा टेलीस्कोप तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूँ प्लानिटरी यूज के लिए है। तो इसमें जो कंपनी ने मुझे आईपीसेस प्रोवाइड की है दैट इज 25 mm और 10 mm। तो अगर मुझे 25 mm आईपीस लगा के मैं कितना जूम पा सकता हूँ, तो मैं 1900 जो मेरा फोकल लेंथ है उसको डिवाइड करूंगा 25 mm का जो आईपीस कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया है, तो मेरा आंसर है 76 mm जो है जूम, 76 mm बोल रहा हूँ, 76x जूम मुझे मिलने वाला है 25 mm के आईपीस के साथ। और दूसरा जो आईपीस कंपनी ने प्रोवाइड किया है दैट इज 10 mm, तो 10 को डिवाइड करूंगा तो 190x जूम मुझे मिलने वाला है 10 mm के आईपीस के साथ। के लिए एकदम इजी फॉर्मूला है, फोकल लेंथ को डिवाइड करना है आईपीस का जो mm साइज जो है आपको प्रोवाइड किया, जस्ट लाइक 10 mm या 25 mm से। जो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज बार्लो लेंस एंड डज इट हेल्प इन डीप स्पेस व्यूइंग, तो ये जो बार्लो लेंस है, ये जो लेंस है, ये जो नाम है बार्लो, इट्स कम्स फ्रॉम द पीटर बार्लो नाम के एक जो साइंटिस्ट है, उनका ये नाम उन्होंने दे दिया है। किसी भी टेलीस्कोप का फोकल लेंथ बढ़ाना है तो उसके आईपीस, उसका जो फोकल रेशियो है उनके बीच में और आईपीस के बीच में और एक लेंस लगा के हम लोग उसका फोकल लेंथ बढ़ा सकते हैं। सो जस्ट लाइक 2x बार्लो अगर हम लोग लेते हैं और मेरे टेलीस्कोप का फोकल लेंथ 750 mm है, तो इंटू 2x बार्लो करके उसका फोकल लेंथ हम लोग 1500x जूम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जूम कर रहे हैं तो ये जो बार्लो लेंसेस है वो आपके डीप स्काई ऑब्जर्वेशन में काम में नहीं आने वाले। आपको डीप स्काई करना है तो फोकल रिड्यूसर लेना पड़ता है, जैसे बार्लो आता है वैसे फोकल रिड्यूसर भी आता है जो आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देगा, और बार्लो आपको जूम प्रोवाइड करके फील्ड ऑफ व्यू कम कर देगा। तो डीप स्काई में बार्लो आपको यूजफुल नहीं है। और तीसरा जो है, कैन आई यूज अदर लेंस कॉन्फ़िगरेशन टू यूज इट फॉर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल बर्ड वाइल्ड लाइफ, मैं यही बोलूंगा अगर आपको बर्डिंग करनी है, वाइल्ड लाइफ करना है, मैं भी करता हूँ, तो टेलीस्कोप को इतना हेवी जो चीज है उठा के कैरी करना वेरी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बर्ड्स एक जगह पे नहीं बैठेंगे या फिर एनिमल एक जगह पे नहीं रहने वाला, तो आपको उनको फॉलो करना होता है। तो इसमें उपयोगी होता है बाइनाकुलर। तो मेरा सजेशन रहेगा 10x50 ले लो या 12x42 ले लो, बर्डिंग करना है वाइल्ड लाइफ करना है तो आप 12x40 ले सकते हो, 10x50 ले सकते हो। तो इनमें आपको जो जो कुछ भी बर्ड रहेगा, एनिमल रहेगा, उनको स्पॉट करना और उनको ट्रैक करना काफ़ी इजी पड़ता है। इसके ऊपर जो आते हैं कुछ बायनोकुलर्स आते हैं, वो डेडिकेटली एस्ट्रोनॉमिकल बायनोकुलर्स होते हैं, तो उसको हमको ट्राईपॉड पे रख के ही देखना पड़ता है क्योंकि उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो। आशा करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछे थे, आपके जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर जो मैंने बताया वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें अगर मैंने मिस की है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, इससे मेरा भी हेल्प होगा और आपका भी हेल्प होगा। और आज मैं यहाँ पे स्टार गेजिंग करने आया हूँ और मिल्की वे शूट करने के लिए आया हूँ, तो मैंने कल रात को भी यहाँ से मिल्की वे शूट किया है, वो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। और आज रात स्टार गेजिंग भी करूंगा यहाँ से, तो बहुत अच्छा स्काई मुझे यहाँ से कल रात को भी दिखा और आज भी दिखने वाला है क्योंकि वेदर बहुत क्लियर है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।